चलो दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तो चलो बताओ कि कुछ फेमस एनिमेस में मेन कैरेक्टर्स का कलर ब्लू ही क्यों होता है, कोई और कलर क्यों नहीं? अच्छा ये नहीं पता तो ये तो पता ही होगा कि मीचेन ऑफिशियली एक बिल्ली नहीं बल्कि एक रोबोट है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसका प्रूफ आपको वीडियो में आगे मिलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आपको इस वीडियो में ऐसे ही कुछ कमाल कमाल की बातें पता चलेंगी जो आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं बताई होंगी। और यार इन फैक्ट्स को ढूंढने में मुझे सच में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है यार, इसलिए इस वीडियो को लाइक भी जरूर सही कर देना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हमारे इस यूनिक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीचेन जो डोरेमोन की क्रश है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि मीचेन एक बिल्ली नहीं बल्कि एक रोबोट है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अरे आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरा मसला समझाता हूं। तो दरअसल जब डोरेमोन को मांगा सीरीज के रूप में शुरू किया गया था, तब मीचेन को एक रोबोट के रूप में लाया गया था, और वो भी एक फीमेल रोबोट नहीं बल्कि एक मेल रोबोट। और फिर जैसे जैसे मांगा सीरीज आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके एनिमे वर्जन को भी लाया गया। और डोरेमोन को एनिमे वर्जन में लाने से पहले उसमें कई सारे चेंजेस किए गए और कई नए कैरेक्टर्स को लाया गया, और कुछ ऐसा ही चेंज मीचेन में भी किया गया। जहां डोरेमोन की पुरानी मांगा में मीचेन एक मेल रोबोट था, वहीं एनिमे में मीचेन डोरेमोन की क्रश है। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि मीचेन ऑफिशियली डोरेमोन की तरह एक मेल रोबोट है। और गाइस ये बात मुझे एक वेबसाइट से पता चली थी। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि सिंचेन का नाम हिंदी वर्जन में चेंज किया गया है। इवन सिंचेन का ही नहीं बल्कि मिस्सी और हैरी का भी नाम एनिमे वर्जन में अलग और हिंदी वर्जन में अलग है, लेकिन हिमाबारी और शीरो का नाम जापानीज और हिंदी वर्जन में सेम है। लेकिन शायद ही आप लोगों को यह पता होगा कि कई देशों के इंग्लिश वर्जन में हिमाबारी और शीरो का नाम हिमाबारी और शीरो नहीं है, बल्कि हिमाबारी का नाम डेजी नोहारा और शीरो का नाम लकी और वाइटी है। यार आप लोग ये तो सोचते ही होंगे कि काश डोरेमोन रियल में होता, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका ये सपना सच हो सकता था? जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल डोरेमोन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए एक जापानीज कंपनी जिसका नाम बंडाई है, अरे बंटाई नहीं बंडाई, हाँ तो बंडाई नाम की कंपनी ने डोरेमोन को रियल में बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था, और उस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था RDDP यानी रियल ड्रीम डोरेमोन प्रोजेक्ट। लेकिन 2009 तक आते आते बिजनेस फेलियर की वजह से उस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा, वरना अगर वो प्रोजेक्ट बंद नहीं होता तो आज हमारे पास डोरेमोन होता। हालांकि उसमें डोरेमोन की तरह फीलिंग्स और गैजेट्स तो नहीं होते, बट वो डोरेमोन की तरह ही चल और बोल सकता था, और इसके भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फ्यूचर में डोरेमोन को बनाया जाए। यार अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का सबसे पॉपुलर एनिमे कौन सा है, तो उसकी लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है, लेकिन उनमें से भी डोरेमोन और शिनचैन ऐसे एनिमेस हैं जो हमारे दिलों पर अपनी एक छाप छोड़ पाए हैं। और जापान में भी ये दो एनिमेस बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। और आप लोग यकीन नहीं करोगे कि जापानीज गवर्नमेंट ने डोरेमोन को जापान का एक एनिमे एम्बेसडर चुना है। और डोरेमोन की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जापान में फुजिको एफ फुजियो के नाम पर एक म्यूजियम भी है, जिसमें आपको फुजिको एफ फुजियो के द्वारा बनाए गए एनिमे से कुछ मजेदार चीजें देखने को मिलेंगी। इतना ही नहीं, वर्ल्ड वाइड डोरेमोन के नाम पर अब तक 40 से भी ज्यादा वीडियो गेम्स बनाए जा चुके हैं। और वीडियो गेम्स से याद आया कि पोकेमोन के भी वर्ल्ड वाइड कई सारे गेम्स हैं। इवन पोकेमोन को फर्स्ट टाइम एनिमे सीरीज के रूप में नहीं बल्कि गेम्स के रूप में लाया गया था, और जैसे जैसे पोकेमोन के गेम्स पॉपुलर होते गए, वैसे वैसे पोकेमोन को एनिमे के फॉर्म में भी लाया गया। और आज आप जानते हो कि पोकेमोन कितना ज्यादा पॉपुलर है। अब हमने डोरेमोन और पोकेमोन की बात कर ही ली है, तो हम शिनचैन को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? जिस तरह जापान में डोरेमोन और पोकेमोन पॉपुलर है, वैसे ही शिनचैन भी जापान में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पर फैक्ट ये है कि शिनचैन और उसकी पूरी फैमिली को जापान में ऑफिशियल रेजिडेंस मिला हुआ है, मतलब शिनचैन की पूरी फैमिली जापान की ऑफिशियल निवासी है। ओ माय गॉड, मतलब शिनचैन रियल ना होते हुए भी रियल है। और यारो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो चीज जैसे जैसे फेमस होती है, वैसे वैसे उसके हेटर्स भी बढ़ते जाते हैं। और ठीक उसी तरह जैसे जैसे डोरेमोन और शिनचैन फेमस हुए, वैसे वैसे कई देशों में इनको बैन करने की मांग रखी गई। और आप विश्वास नहीं करोगे कि डोरेमोन को वर्ल्ड 50 से भी ज्यादा देशों ने बैन किया हुआ है, और बैन करने का रीजन तो आप लोग जानते ही होंगे, नोबिता। और अगर हम बात करें शिनचैन की, तो सभी लोगों को लगता है कि शिनचैन को 2008 में बैन कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों ये पूरा सच नहीं है, बल्कि शिनचैन को 2008 में सिर्फ थोड़े समय के लिए रोक दिया गया था, ताकि शिनचैन के क्रिएटर्स इंडियन सेंसरशिप के हिसाब से उसे दोबारा एडिट और फिर से वॉइस ओवर कर सकें, और फिर शिनचैन को बाद में फिर से रिलीज कर दिया गया। तो अब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के लास्ट फैक्ट पर, या मैं कहूं क्वेश्चन पर, और वो क्वेश्चन ये है कि आखिर हमारे ज्यादातर फेवरेट और फेमस एनिमेस के मेन कैरेक्टर्स का कलर या फिर उनके कपड़ों का कलर ब्लू या फिर येलो ही क्यों होता है? जैसे कि डोरेमोन में डोरेमोन का कलर ब्लू है, निंजा हथौड़ी में निंजा हथौड़ी के कपड़ों का कलर ब्लू है, और पोकेमोन में ऐश के कपड़ों का कलर भी ब्लू है, तो आखिर ऐसा क्यों है? तो आप लोग जान लो कि येलो और ब्लू कलर कुछ ऐसे कलर्स हैं जो लोगों को बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग लगते हैं, और इन दोनों कलर से वो अपने आप को जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन फिर बाद में
पता चलकर एनिमे क्रिएटर्स को पता चला कि ब्लू कलर येलो कलर से भी ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है और इसीलिए फेमस एनिमेस के मेन कैरेक्टर्स का कलर ब्लू ही होता है। और यही रीजन है कि पोकेमोन में पिकाचू का कलर येलो रखा गया है। और यहाँ पर आप लोगों के लिए एक फन फैक्ट है कि जब डोरेमोन को शुरू में डिजाइन किया जा रहा था तब डोरेमोन के क्रिएटर्स के द्वारा उसे शुरुआत में येलो कलर का रखा गया था, लेकिन बाद में चलकर ये आइडिया ड्रॉप कर दिया गया और डोरेमोन का कलर बाद में चलकर नीला रख दिया गया। लेकिन अब कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई शिनचैन का क्या, अपना शिनचैन तो लाल रंग के कपड़े पहनता है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को एक वीडियो में बता चुका हूँ कि शिनचैन एक यूनिक एनिमे है जिसकी स्टोरी लाइन और कैरेक्टर्स किसी भी एनिमे से मैच नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है कि शिनचैन के क्रिएटर्स शिनचैन में कुछ नया करना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने शिनचैन की टी शर्ट का कलर रेड रखा। तो यार आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर से ही सब्सक्राइब कर देना और उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो को बनाने में, इसलिए जरूर से ही कर दिया करो। हाँ तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे इन दोनों वीडियोस को भी देख सकते हो, आपको मजा आएगा।